चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए इसमें आलू बन रहे हैं। कौन बन गया? और देखिए बाबू कौन बन गए? कौन बन गए? अरे मम्मा बन गए। मेरा रूमाल भांग लिया ना, इसलिए मम्मा बन गया। तो मैं भांगती थी ना, इसीलिए बोल रहा है कि मम्मा बन गया हूँ मैं। और देखिए वो वाली तरह ये वाली लगाया है, देखिए। उसकी जो बिल्ली वाली टोपी थी ना, वो मैं धोके डाल दी थी, तो और दूसरी तो लगाता नहीं है इसके पास। मैं दो मम्मा हाँ बोलो हाँ ठीक है। और वो धोके डाल दी, इसलिए दूसरी नहीं पहनना है। और मैंने बोला तो मेरी वाली पहन लो, ये थोड़ी ढीली ढीली भी है ना, इसलिए। तो देखिए आलू उबल रहे हैं, और इधर आटा गूंद दी हूँ मैं, और इधर डेढ़ प्याज काटी हूँ, और हरी मिर्च बना रही हूँ आलू के पराठे, और चाय साथ में। आज बारिश भी हो रही है, कमेंट करके बताना किस किस के हमें बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इसीलिए मैं ठंडा भी मौसम है और बारिश भी हो रही है, बस से तो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। नए आलू लेके आई थी मैं, मेरे से तो 10 रुपये किलो बिच रहे थे, 3 किलो लेके आई थी मैं। और पुराने भी रखे थे, तो मतलब वो वाले नए वाले और पुराने वाले दोनों मिक्स करके उबाल ली हूँ, तो मिक्स करके पराठे बनाऊँ। तो पुराने रख के तो वो भी हिलने लग जाएंगे, नए वाले दोनों मिक्स उबाल ली हूँ। अब बनाएंगे आलू के पराठे। क्या इनकी तो शरार चलती रहती है, देखो क्या ले आए। सही लग रही है ना बाबू के वो टोपी है ना? हाँ, नहीं अच्छी लग रही है। दोस्त सारे दोस्त बोल रहे हैं अच्छी लग रही है। देखिए आलू उबल चुके हैं, ये देखिए खिल गए पूरे, देखिए पुराने आलू थे ना वो खिल गए। देखिए मम्मी गरम है, वो छील देती हूँ मैं, गर्मी गर्म फोड़ तो लूंगी, क्योंकि ठंडा हो जाता ना तो थोड़ा अच्छे से पता नहीं बन पाता, इसलिए इसको छील लेती हूँ। देखिए इधर मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी सुबह के लिए, क्योंकि ठंडी ही पड़ती है ना और जल्दी की होती है सुबह, इसीलिए कभी कभी मैं शाम को बना के रख देती हूँ। और इधर आलू भी छीलती हूँ मैं, देखिए इसी में से दो आलू फोड़ कर डाल दूँगी, सब्जी बन जाएगी, अभी तो पराठे ही बन जाएंगे इसलिए। और ये मसाला बना दिया, मैंने प्याज डाल दी हूँ, टमाटर एक टमाटर रखा था, मसाला बन जाएगा, फिर से मैं आलू तोड़ के डाल दूंगी। देखिए जीरा कटा हुआ, मतलब आलू फोड़ रही थी मैं, जीरा भी मतलब पिसा हुआ रखी, पीस के रखी थी मैं उस पर चकले पर, तो वो भी डाल देती हूँ उसमें आलू में। और मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, धनिया पाउडर डाल देती हूँ, बस तैयारी करके रख दी हूँ। और बस देखिए गर्म है आलू ना, तो साथ ही मसाला डाल के छोड़ दी, और जैसे ही पसकने तो जल्दी भी फूट जाते हैं। देखिए अच्छे से मिटा देती हूँ मैंने, ये भी बना के रख देती हूँ मैं, सब्जी बन गई। क्या कर रहे हो? नामली है, बाल भी नहीं सूखे मेरे, सही से बाल धोई थी, धूप नहीं निकली, बारिश हो रही है तो गला ऐसा मतलब बंद सा हो गया। देखो नीतू बना रही है गर्मा गर्म पराठे,
लाइट भी चली गई है, आज लाइट भी चली गई है और आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो पराठे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। अब बारिश भी हो रही है, उधर चाय बन रही है, इधर देखिए चाय भी बन रही है, ये देखो चाय भी बन रही है, और पूरी बना ली मैं, इसमें मसाला भर रही हूँ। सही से देखिए नहीं रहा होगा, शायद लाइट ही नहीं आ रही है। आज लाइट चली गई सब तरफ की ना इधर से आज। अरे मतलब बारिश हो रही ना, तो कई बार भी गई है लाइट, पहले भी गई थी। अच्छा, और अभी चली गई, दो बार चली गई शायद, तीसरी बार गई है। हाँ अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, जब तक हम बनाते हैं और खाते हैं आलू के पराठे। बेल लेती हूँ मैं इसको, मिक्स आलू वाले नए और पुराने, मिक्स नए आलू ली थी मैं, तो नए दो और पुराने दोनों मतलब मिक्स करके बना, दोनों मिक्स आलू की हैं। हाँ नए और पुराने दोनों नए भी ले ली मैं और पुराने भी रखे, कई पुराने हैं भी, तीन या चार आलू अभी रखे भी हैं, तो चार में नई रखी थी, चार मतलब। चलो सही है, दोनों तो खर्च तो हो ही जाएंगे दोनों ना। हाँ तो अच्छे आलू हो, को बेकार थोड़ी ना, बढ़िया आलू आया ना, वो चिप्स वाला आलू है ना, बढ़िया आलू है वो, एकदम वाले रख दो ना, एकदम फंसा के जाते हैं वो। अच्छा खिले हुए आलू, अब तो नए वाले भी अच्छे आने लगे हैं आलू। हाँ अब तो मतलब गैस जलाई नहीं हूँ, और पराठ लगा गैस जला लो भाई पराठा पलटा दिमाग नहीं चलता है, और सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा मेरे बाल भी नहीं सूखे, बारिश हो रही है तो मेरा सर भी पूरा जकड़ रहा है। आज मशीन से कपड़े भी धोए होंगे आपने? नहीं, आज हाथों से ही धो डाले। हाँ सॉक्स 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 मैं हाथ से ही धो लेती हूँ ना। अच्छा, क्योंकि डालो तो सॉक्स होते हैं गंदे, तो डालो इसमें तो गंदे हो जाते हैं ना, और कपड़े भी क्योंकि मिट्टी मिट्टी में चलते हैं सॉक्स पहन के। आज वैसे पूरे दिन धूप तो निकली नहीं, तो सूखेंगे कहाँ से। फिर भी मैं धो दी, एक दो जोड़ी मेरे थे तो मारे थे बाबू के। अच्छा चलो, मतलब घर का काम तो है ही, अब नहीं हो रही है, हाथ चलते ही नहीं है, अब हाथ पैर क्या पूरा शरीर ही कपने लगता है, तो सर्दी ऐसी सही से हुआ भी नहीं है, मतलब ऐसा हो रहा है। तुमने पहले जलाया नहीं ना उसको, पहले ही पराठा डाल दिया आज तो अंधेरे में भी वीडियो शूट करनी पड़ रही है, तो देखो थोड़ा सा अंधेरा सा भी आ रहा है, अरे सॉरी लाइट नहीं आ रही है इसीलिए, और टाइम ज्यादा हो गया 9:30 है ना, तो खाना भी बनाना ही है, लेट हो जाएंगे। हाँ बना के तो खाना ही है ना, ये देखो नीतू ने अब चपर दिया, अब हुआ है तवा इनका जब से, इन दिनों में तो चूल्हे वालों की ज्यादा आफत होती है, लेकिन अब तो चूल्हे बहुत कम रह गए हैं। नहीं चूल्हे तो सबसे ज्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना, सच बता रही हूँ। मेरा तो यहाँ पे अपना पुस्ता कुछ नहीं है, और नहीं बनना मैं तो चूल्हा घर बना चूल्हे पे रोटी बनाया करूँ, सच में बता रही हूँ। चलो चूल्हे का खाना अच्छा लगता है खाने में, कभी ना कभी तो होगा ही अपना। ये देखिए बनिया करारा पराठा, पास से दिखा दे, ये देखिए मन कर रहा है ना खाने का, ये देखिए देखिए अभी चलो आलू पराठा मन कर रहा है ना खाने का। इन दिनों में तो लोग कहते हैं भैया आलू के पराठे बना लो, बथुए के पराठे बना लो, जिसके भी मतलब मिले पराठे मिलने चाहिए इस टाइम पे, तो ठंडी है, ठंडियों में तो अच्छी लगती है। किसी लोगों बहुत से लोगों को सुबह सुबह पसंद होते हैं पराठे, लेकिन हमारे यहाँ जो बनते हैं वो शाम को ही बनते हैं, जी शाम तो सुबह तो सिंपल रोटी सब्जी होती है, मज़ा भी इनका जब ही है जब गरम गरम खाने में मिले, ठंडे करके रख दो तो वो अच्छे नहीं लगते, फिर अकेले बैठे बैठे खाओ वो अच्छे नहीं लगेंगे, और जब गर्मा गर्म मिलते हैं ना तभी से उतर के अच्छे लगते हैं खाने, तो में खाने का टेस्ट ही और बढ़ जाता है। पैसे निकले और सीधा मुंह मुझे तो ऐसे अच्छे लगते, धुआं निकलते जाओ खाते जाओ गर्मा गर्म,
मतलब जब अच्छा लगता है एक जना बनाता जाए एक जना खाता जाए जब अच्छा लगता है, खुद से बना के खाओ तो वो ठंडे ही हो जाते, फिर तो गर्म ही नहीं रहते हैं। अब मैं इनको दे देती हूँ खाना। ये देखिए नीतू भाई, दे दो पराठे। लो खा लो, लाओ पास से दिखा दो मेरे को, चाय और पराठे दे दो। आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पराठे और चाय। इन्होंने आधा कप चाय दी है, वैसे ले नहीं रहे थे, मैं बोली पराठे के साथ तो चली जाएगी। और आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पराठे आलू के और चाय ठंडे मौसम में। और इनको देती हूँ, आप खा लीजिए। लाइए, ये देखो सोने लग गई अब ये सब। अब सोने का टाइम हो गया, टाइम भी बहुत हो गया, 11 बज गए। और वीडियो को एंड करते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए प्लीज। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टाटा बाय और गुड नाइट। गुड नाइट सबको, सो जाइए।